इसराइल में फंसे कर्नाटक के लोगों ने मांगी है मदद, वीडियो जारी कर सरकार से देश वापसी की गुहार लगाई। बंकर के अंदर छिपकर बैठे कई परिवार, रॉकेट हमलों के बीच बंकरों में रहने सुरक्षित नहीं, जल्द से जल्द घर जाना चाहते हैं लोग। बमबारी की वजह से बंकर से बाहर नहीं निकल पा रहे लोग, खाने पीने की चीजों का भी होने लगा है संकट। इसराइल फिलिस्तीन के हालात पर केसी वेणुगोपाल का पोस्ट, मध्य पूर्व में संघर्ष बेहद दुखद, युद्ध विराम की मांग। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई छात्रों पर FIR, फिलिस्तीन के समर्थन में निकाल रहे थे मार्च, वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। एशियन गेम्स 2023 में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मुलाकात, भारत ने कुल 107 पदक जीतकर अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। एशियन गेम्स में सोना जीतने वाले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने कहा, बहुत दिनों बाद भारत पहुंचकर अच्छा लगा। BSP सांसद दानिश अली और रमेश विधोड़ी विवाद पर दिल्ली में विशेषाधिकार समिति की बैठक, दानिश अली ने विधोड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के सरकारी दफ्तर में CBI का शिकंजा, मध्य ग्राम नगर पालिका कार्यालय में CBI की टीम ने की है छापेमारी। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भी नगर पालिका भर्ती घोटाले की जाँच, राणाघाट म्यूनिसिपैलिटी दफ्तर में रेड के लिए पहुंची CBI की टीम। के देवरिया कांड के पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे समाजवादी पार्टी के नेता, हत्याकांड मामले में अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी। लद्दाख कारगिल काउंसिल चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती 12 सीटें, कांग्रेस 10 जबकि BJP ने 2 सीटों पर मारी है बाजी, उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर भाजपा को घेरा। जम्मू कश्मीर में चुनाव की मांग को लेकर आज विपक्षी पार्टियों का धरना प्रदर्शन, पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। कांग्रेस के बाद आज चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल का धरना प्रदर्शन, सत्तू यमुना लिंक विवाद पर CM मान के आवास पर करेंगे घेराव, अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल भी होंगे शामिल। लखनऊ में आज यूपी कैबिनेट की होगी अहम बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर, CM योगी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। NCP विवाद मामले पर 9 नवंबर को चुनाव आयोग की अगली सुनवाई, अजीत समेत 8 की अयोग्यता पर फैसले में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शिकायत। यूपी के उन्नाव में कार्यक्रम के दौरान CM योगी ने की द वैक्सीन वार फिल्म की तारीफ, का भारत की ताकत को दिखाया गया, लोगों से फिल्म देखने की अपील। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM मोदी से की है मुलाकात, दोनों देशों में स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की तैयारी। स्कॉटिश संसद के सदस्यों ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की, भारत ब्रिटेन संबंधों पर चर्चा। आज तेलंगाना दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, दोपहर 2:30 बजे आदिलाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे, शाम 6:30 बजे बुद्धिजीवी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आज मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद करेंगे राहुल गांधी, शहडोल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, विंध्य रीजन में कांग्रेस के लिए अहम होगा राहुल का ये दौरा। राजस्थान के CM गहलोत को OSD दिल्ली तलब, फोन टैपिंग मामले में 5वीं बार पूछताछ, क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा को बुलाया दिया। ABP न्यूज के ओपिनियन पोल पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का, शिवराज को पार्टी ने आउट कर दिया, कांग्रेस को मिलेगी 130 से ज्यादा सीटें। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ABP न्यूज के ओपिनियन पोल में MP की 230 सीटों में से कांग्रेस को 113 से 125 जबकि BJP को 104 से 116 सीटें मिलने का अनुमान है। इंदौर में सनातन विवाद पर जमकर बरसे BJP महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, CM के चेहरे पर बोले भाजपा कार्यकर्ता ही बनेगा अगले CM। चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही BJP ने जारी की अपनी चौथी लिस्ट, CM शिवराज ने कसा तंज, बोले कहां है कांग्रेस की लिस्ट। BJP ने नरेला सीट से मंत्री विश्वास सारंग को बनाया है उम्मीदवार, चौथी सूची में ऐलान के बाद भोपाल के खेड़ापति हनुमान मंदिर के दर्शन करने पहुंचे थे सारंग। छत्तीसगढ़ में BJP ने किया 64 प्रत्याशियों के नाम, पूर्व CM रमन सिंह को राजनांदगांव सीट से मिला टिकट, पार्टी का जताया आभार। छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की घोषणा पर बोले डिप्टी CM TS सिंहदेव का, विपक्ष के बाद जारी करेगी कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत का किया है दावा, कहा BJP में केंद्रीय मंत्रियों का हाल बुरा है, जिसे SP को थानेदार बना दिया। कांग्रेस नेता धीर चौधरी ने चारों राज्यों में जीत का किया दावा, कहा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान तेलंगाना में कांग्रेस की ही होगी बड़ी जीत। भोपाल में ABP न्यूज से बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, BJP की विदाई तय हो गई, सत्ता में आने पर कराएंगे जातीय गणना कराने
का दावा किया। राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने चारों राज्यों में जीत का किया है दावा। एबीपी न्यूज से बोले शुक्ला, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने पीएम मोदी के चुनावी चेहरे पर उठाया सवाल, कहा पंचायत से लेकर लोकसभा तक मोदी ही लड़ते हैं चुनाव। बीजेपी को बताया खोखली विचारधारा की पार्टी। जाति गणना के मामले पर बोले हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू, कहा पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। सीडब्ल्यूसी की बैठक में हुई चर्चा। राजस्थान के भरतपुर में गहलोत सरकार पर जमकर बरसे बीजेपी नेता, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाने का किया है वादा। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी के मैनपुरी में भरा दम, पांचों चुनावी राज्यों में बीजेपी को हराने का ऐलान। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस ने लिया फैसला, 2024 में सत्ता में आने पर पूरे देश में होगा जाति गणना, अधिकतम सीमा तक आरक्षण बढ़ाने पर सहमति। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी के निर्णय को बताया ऐतिहासिक, कहा बीजेपी पर दबाव डालकर कराएंगी जातीय जनगणना, पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। जाति गणना के मुद्दे पर तेज हुआ जुबानी जंग, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर पलटवार किया, कहा भ्रम पैदा करके समाज को बांटने की हो रही साजिश। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने टोल बूथ चलाने की धमकी दी, डिप्टी सीएम फडणवीस के छोटे वाहनों से टोल न वसूलने के फैसले का करेंगे रियलिटी चेक, सीएम शिंदे से भी करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के टोल बूथ जलाने की धमकी का दिखा असर, मुंबई के मुलुंडू में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने टोल बूथ को फूंका, जमकर हुआ बवाल। शराब घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह की ईडी कस्टडी आज हो रही खत्म, दोपहर बाद संजय सिंह को राउज ऑफ एनी कोर्ट में पेश किया जाएगा। अफजाल अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा को लेकर सुनवाई। अतीक अहमद के दो बेटे बाल सुधार गृह से रिहा, अतीक की बहनों ने दी थी दोनों की कस्टडी के लिए अर्जी। आकांक्षा दुबे मौत मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब, सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई। चंडीगढ़ पीजीआई के नेहरू अस्पताल में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, अस्पताल के अंदर मौजूद सभी लोग सुरक्षित निकाले गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में डेंगू के बड़े मामले, मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 208, बीते 3 दिनों में सामने आए 30 नए मरीज। विश्व कप में आज इंग्लैंड और बांग्लादेश का मुकाबला, इंग्लैंड को पहले मैच में न्यूजीलैंड से मिली थी हार, आज जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी इंग्लैंड की टीम। वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच भी होगा मैच, श्रीलंका को ओपनिंग मैच में मिली थी साउथ अफ्रीका से हार। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके में होने लगी बर्फबारी, गुलमर्ग और बारामूला में हुई बर्फबारी। पिथौरागढ़ के गुज्जी में बड़ा हादसा, भूस्खलन की चपेट में आई गाड़ी, हादसे में 7 लोगों की मौत। धारशुला गुंजी मोटर मार्ग पर हादसा हुआ, पहाड़ी से चट्टान और मलबा कार के ऊपर गिरा, एसडीआरएफ टीम ने किया शवों का रेस्क्यू। बर्फबारी की खबर के बाद गुलमर्ग में सैलानियों की भीड़ बढ़ने की उम्मीद, समय से पहले बर्फबारी होने से स्थानीय कारोबारी खुश, इस बार रोजगार अच्छा चलने की उम्मीद। बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से रोड पर भरा पानी, जल निकासी का सही इंतजाम नहीं होने से जल भराव, लोगों को आवाजाही में दिक्कत।